राजघाट पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के साथ 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिस्तोई ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 4 अभियुक्तों को अमरूद बाग चक्रा दोयम से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान मनोज पुत्र जल्लू निवासी अजवेनहा थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर, दूसरा बुधिराम पुत्र स्वर्गीय सुखराज निवासी सुरैना थाना हरपुर बुधहट गोरखपुर, तीसरा शत्रुधन पुत्र लालसा निवासी इटहिया थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर, चौथा श्रीनिवास शर्मा पुत्र स्वर्गीय रामचरण शर्मा निवासी भीटी थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से 500 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 6 किलोग्राम यूरिया एवं 20 किलोग्राम नौसादर बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि चारों अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, टीपी नगर चौकी प्रभारी अनुप कुमार मिश्र, हेड कांस्टेबल हरेंद्र सिंह, कांस्टेबल मंगलदीप, देवेंद्र कुमार, गोरख सिंह, कुंदन कुमार, अशोक कुमार, मनोज सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, गोरखपुर में कच्ची शराब के विक्रय एवं निष्कर्षण पर रोक लगाने के लिए आज एक प्रातःकाल में मुखबिर खास की सूचना पर थाना राजघाट ने अमूर्तानी एरिया में रेड की और रेड के माध्यम से उन्होंने 500 लीटर कच्ची शराब, 5 किलो 6 किलो यूरिया एवं 20 किलो नौसादर बरामद किया है एवं उसके साथ में शराब बनाने की मशीनें एवं अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। इसके साथ में 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और इसमें आगे की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी और इन लोगों के खिलाफ IPC 272 एवं 60/2 आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।